30 दिसंबर 2023 साल का आखिरी शनिवार है, और आखिरी शनिवार को ये उपाय करके आप दमदार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय आपको करोड़पति निश्चित रूप से बना देगा जाते जाते। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, अमीर बनने का सपना हकीकत में बदल जाएगा। ये कोई भी कर सकता है, टोटका, कोई भी ये टोटका कर करके लाभ उठा सकता है। लोहे की कढ़ाई का एक अचूक उपाय बता रहे हैं जिसको आपको करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है जो आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। इसके लिए तहे दिल से आपका आभार और शुक्रिया। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तु, पाम रीडिंग और अनेक अनेक वीडियो और टोने टोटकों से संबंधित जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाता है। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमा श्री। मित्रों, हम आपको बता चुके हैं शनिवार के उपाय बहुत कारगर होते हैं। शनिवार की खास बात यह है, स्थायित्व लिए हुए होते हैं। आप जो भी काम करते हैं आपको स्थायी लाभ देते हैं। हमने अनेक वीडियो शनिवार पे बनाए हैं, तो आपको लाभान्वित करने का हमारा प्रयास बहुत शनिवार में आपको किया गया है। आई होप आपने उसको देखा होगा, हमारे शनिवार संबंधी वीडियो को। मित्रों, शनिवार को कुछ खास सब्जियां होती हैं, कुछ खास अनाज होते हैं, उसको खास तरीके से आप बनाते हैं, तब आपको फायदा होता है। लोहे की कढ़ाई से आप सभी जानकार हैं लोहे की कढ़ाई कैसी होती है, लेकिन लोहे की कढ़ाई बड़ी लीजिएगा और हल्की नहीं होनी चाहिए, भारी हो। अगर आप बड़ी लेने में समर्थ नहीं तो छोटी कढ़ाई ही ले लीजिए, लेकिन भारी होनी ज़रूरी है, तभी ये काम करेगा टोटका। आपको उसके अंदर काले कपड़े में तेल में भिगोकर एक चीज़ रखनी है, और वो चीज़ है काली इलायची, जो हमें बड़ी इलायची जिसको बोलते हैं, वो 8 की संख्या में आपको रखनी है। अगर आपके पास बड़ी इलायची नहीं है तो काली मिर्च आप 8 रख सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में और काले कपड़े में होनी ज़रूरी है। इसको आप छू कर अपने घर की नेगेटिविटी दूर करने की शनिदेव से प्रार्थना करें, श्री राम जी की से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, और उसमें तेल भर दीजिए जितना आपकी श्रद्धा हो। तिल्ली का तेल हो तो अति उत्तम है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, आप जला हुआ वेस्ट तेल भी ले सकते हैं, कोई भी तेल आपके पास अवेलेबल है। जला हुआ तेल हो तो अति उत्तम। जला हुआ तेल कई बार जल चुका हो वो नेगेटिविटी आपके जीवन से ख़त्म ही कर देगा, नेगेटिविटी का सफाया कर देगा, और आपको करोड़ों में खिलाएगा, करोड़ों रुपये आपके पास आएंगे और आप देखेंगे चमत्कार, आपको कुछ ही दिनों में नज़र आने लगेगा। नया वर्ष आपके लिए खुशियों की सौगात लेके आएगा, क्योंकि नया वर्ष 8 का अंक है। शनि संबंधी उपाय अगर आप शनिवार को करते हैं, आप जो 2024 का पहला शनिवार है उसको भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन लास्ट शनिवार का उपाय बहुत मायने रखता है, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी का खात्मा करता है। ये उपाय ऐसा चमत्कारी है, उसको करना चाहिए। और उस कढ़ाई को आपको चौराहे पर रख कर आना है। चौराहे पर नहीं रख सकें तो किसी वीरान स्थान में आपको रखना है, जहाँ कोई देखे ना, क्योंकि आप भयभीत होंगे कि चौराहे पर कोई किसी ने देख लिया तो क्या होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आप चाहें तो आपको किसी की परवाह नहीं है तो चौराहे पे भी रख सकते हैं, या आप सारे घर में फिरा लीजिए उस कढ़ाई को, और फिर अपनी मनोकामना बोलिए कि मेरे जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी है उसका सफाया हो जाए, मेरे घर पे किसी ने तांत्रिक क्रिया की है उसका खात्मा हो जाए, मेरे घर पे किसी ने बंदिश लगाई है उसका खात्मा हो जाए। ऐसे शुभ वाक्यों का आपको प्रयोग करना है, जिससे आप छुटकारा, शुभ इसलिए बोला कि हालांकि अशुभ वाक्य हैं लेकिन आपके जीवन में शुभता घोलने वाले वाक्य हैं, क्योंकि आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं ना, इसीलिए हमने शुभ बोला। और आप पैसे पाना चाहते हैं, इसीलिए पैसा तो शुभ ही होता है, अच्छा होता है। करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता, अमीर कौन नहीं बनना चाहता, अमीर भी और अमीर बनना चाहता है। तो ये टोटका इतना कारगर है, आप करके देखेगा, आपको चमत्कार ना हो तो कहना।
तो आप दोबारा सुन लीजिए। आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, जो छोटी हो या बड़ी हो, भारी होनी चाहिए। और उसमें आपको बड़ी इलायची रखनी है, साबुत भी रख सकते हैं, साबुत ही रखनी है बड़ी इलायची, जिसको डोडा भी बोला जाता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो 8 की संख्या में रख दीजिए। और सरसों का तेल उसमें कढ़ाई में भर दीजिए, या तिल्ली का तेल भर दीजिए। और हमने जो वाक्य आपको बोलने को कहे हैं वो आपको बोलने हैं। और आप ये जो चीज़ें हैं काले कपड़े में बांध के रखें तो अति उत्तम फल मिलेगा आपको। जैसे 8 बड़ी इलायची ली, उसको काले कपड़े में बांध कर लोहे की कढ़ाई में रख दिया और अपने पूरे घर में घुमा दिया। और जो शब्द हमने आपको बोले हैं वो आपको दोहराने हैं। और आप देखना कितना चमत्कार आपके जीवन में उपस्थित होता है। अगर आपके पास बड़ी इलायची नहीं है तो 8 काली मिर्च भी काले कपड़े में लपेट कर उस कढ़ाई में रख सकते हैं। फिर आपको उस कढ़ाई को चौराहे पर रख के आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप कहीं भी रख कर आएँ, जैसे वीराने में रख के आएँ, तो आप दिन में किसी भी वक्त रख सकते हैं, रात में भी, रात के 12 बजे से पहले आपको ये काम करना है। अपनी सुविधा के अनुसार रख दीजिए। तो ये चमत्कारिक टोटका आपको पैसे वाला बनाएगा, आपके जीवन से नेगेटिविटी का खात्मा करेगा और आपको कभी साल भर पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। साल भर किसी ना किसी बहाने से आपके घर में पैसा आता ही रहेगा। तो करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है, जिसको डॉक्टर उमाश्री हमने नाम दिया है। डॉक्टर उमाश्री चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य प्रेषित करना। तो आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।